कस्टमर ट्रैक्टर केयर यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे MM18 सोनालिका मॉडल की। जो ये जो ट्रैक्टर आपको दिख रहा है, ये ट्रैक्टर आपका सिंगल सिलेंडर में रहेगा, वाटर कूल्ड रहेगा। इस ट्रैक्टर का जो रहेगा MM18 के नाम से ये मार्केट में मिलेगा आपको। अगर मैं इसकी टॉर्क की बात करूँ तो ये ट्रैक्टर का जो टॉर्क रहेगा 54 रहेगा। बोर स्ट्रोक की बात करूँ तो इसका 100-110 का रहेगा। अगर मैं CC की बात करूँ तो 863 CC का इसमें इंजन है। और इंजन के रेटेड RPM की बात करूँ तो ये 2300 रेटेड RPM रहेगा। और लो RPM की बात करूँ तो ये 1200 रहेगा। इसका क्लच जो रहेगा इस ट्रैक्टर का सिंगल रहेगा। और गियर की बात करूँ तो मैं इसमें 6+2 रहेगा। छः गियर जो रहेंगे वो फॉरवर्ड के रहेंगे, 2 गियर रहेंगे वो रिवर्स के रहेंगे। इसमें जो गियर बॉक्स है स्लाइडिंग रहेगा। और जो ब्रेक रहेंगे इसमें ऑप्शन रहते हैं, जो आपके ड्राई ब्रेक भी रहते हैं और IP ब्रेक भी रहते हैं। अगर इस ट्रैक्टर की मैं बात करूँ PTO की, PTO जो रहेगी इसमें 540 रहेगी 2047 RPM पे। अगर 540 PTO की बात करूँ वो 1662 पे मिलेंगी। और PTO जो रहेगी डुल रहेगी। अगर मैं हाइड्रोलिक की बात करूँ इस ट्रैक्टर की, हाइड्रोलिक जो रहेगी कैपेसिटी 1500 kg रहेगी। अगर मैं फ्रंट टायर के साइज़ का बात करूँ, ये जो टायर रहेगा 5/24/14 का रहेगा। और मैं पीछे वाले टायर की बात करूँ इस ट्रैक्टर में 18/8/18 का रहेगा। अगर मैं इसकी व्हील बेस की बात करूँ तो 1485 mm का रहेगा। और इस ट्रैक्टर की लेंथ की बात करूँ, ओवरऑल जो लेंथ रहेगी इस ट्रैक्टर की ये रहेगी 2745। और इसकी विड्थ जो रहेगी, इसकी जो चौड़ाई रहेगी ये रहेगी 1165 mm। अगर इस ट्रैक्टर की हाइट की बात करूँ मफलर के साथ में तो ये रहेगी 1226 mm। अगर इस ट्रैक्टर के ग्राउंड क्लीयरेंस की मैं बात करूँ, ग्राउंड क्लीयरेंस जो रहेगा इसका 220 mm रहेगा। अगर मैं इस ट्रैक्टर की वेट की बात करूं तो इस ट्रैक्टर में वेट जो रहेगा कंपनी की तरफ से 1160 का रहेगा। अगर मैं इस ट्रैक्टर की बैटरी की बात करूं, बैटरी जो रहेगी 12 वोल्ट की रहेगी। अगर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें 26 लीटर का फ्यूल टैंक रहेगा। और इसके फ्यूल टैंक के साथ में अगर मैं क्लस्टर की बात करूं तो क्लस्टर जो रहेगा इसका इलेक्ट्रिकल रहेगा। और इधर मैं स्टेयरिंग की बात करूं तो स्टेयरिंग जो रहेगा इसका मैकेनिकल रहेगा। फिर भी आप लोगों को इसकी कोई भी अन्य जानकारी लेनी है तो आप कंपनी के टोल फ्री नंबर से बात कर सकते हो। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।